हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेडन चित्रकूट के बाद राहुल बोले मेडन धौलपुर बनाएंगे स्मार्टफोन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मेड इन चित्रकूट के बाद मेडन धौलपुर, मेडन जयपुर और मेडन राजस्थान स्मार्टफोन आने वाला है। इस बात का दावा खुद राहुल गांधी ने आज धौलपुर में हुई सभा के दौरान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी पर तीखे वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दोनों सरकारें पूरी तरह से विफल हैं। इन सरकारों ने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। यूपीए के शासन काल के दौरान किसानों का 70 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किए जाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्राइबल बिल पास किया, मनरेगा के तहत लाखों करोड़ों के काम किए। राहुल ने कहा कि राजस्थान में 2008 से 2013 तक के दौरान अशोक गहलोत सरकार ने मुफ्त दवा योजना दी, पेंशन योजना चलाई और गरीबों के लिए कई अन्य विकास योजनाओं का संचालन किया, लेकिन राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बीते 5 साल में कोई काम नहीं किए। अलवर से लेकर धौलपुर तक 163 किलोमीटर के रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने 3 घंटे तक रथ में सवारी की। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक आम सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी तरह विफल करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद देश का चौकीदार कहते हैं, वे बीते 4 साल से मुकेश अंबानी के चौकीदार बने हुए हैं। राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर भी प्रधानमंत्री पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि अब तक का देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिप्त हैं। राहुल गांधी ने चाइनीज मोबाइल का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ मेड इन इंडिया की मुहिम चलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा सामान चाइना से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपको मेड इन धौलपुर, मेड इन जयपुर और मेड इन राजस्थान के मोबाइल मिलने लगेंगे। राहुल गांधी ने मोबाइल को लेकर अपने भाषण में कहा कि दुनिया भर में राजस्थान, जयपुर और धौलपुर लिखे हुए जब मोबाइल बिकेंगे और वहां लोग इस मोबाइल से सेल्फी लेंगे तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। ऐसे में मोबाइल खरीदने के लिए राजस्थान आएंगे, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि वे झूठे वादे नहीं करते हैं, जो बात कहते हैं वे करके दिखाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को झूठा करार दिया। धौलपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।